कर्नाटक चुनाव अब करीब आ गए हैं, सियासी चहल पहल अब जोरों पर है। कर्नाटक का मैदान जीतने के लिए मोदी जी चुनाव पिचों पर 5, 7 और 8 मई को अब बैटिंग करने के लिए उतरेंगे। इस दौरान वो लगभग हर दिन में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक चुनावों में 224 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच अब जोर की आजमाइश भी चल रही है। कर्नाटक में मोदी जी की रैलियों की संख्या अब 15 से 21 कर दी गई है। आज नमो ऐप पर पीएम मोदी लाइव हुए और महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए जनता के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। कांग्रेसी सीएम सिद्धारमैया इस बीच काफी हताश दिखाई दे रहे हैं। पीएम की हर बात की मुखालफत करने के चक्कर में वो बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं। लाइव के दौरान मोदी जी ने कहा कि आज देश महिला विकास से आगे महिला के नेतृत्व की बात कर रहा है। जब देश के विकास के लिए ऐसा मंत्र है तो बीजेपी भी इसी मंत्र में विश्वास करती है। हमारे और हमारी पार्टी के लिए महिला फर्स्ट है। अगर आप हमारी कैबिनेट में देखेंगे तो महिलाओं को उनकी क्षमता के अनुसार ही पोर्टफोलियो भी दिया गया है। आज देश विमेन डेवलपमेंट से आगे विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। आज हम महिला विकास से आगे महिला के नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं। जब देश के विकास के लिए हमारा ऐसा मंत्र है तो हमारी पार्टी भी इसी मंत्र में विश्वास रखती है। पार्टी के लिए भी महिला शक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए संगठन हो, सरकार हो, कार्यक्रम की रचना हो, विमेन फर्स्ट है। यदि आप कैबिनेट पर नजर डालेंगे तो दिखेगा कि सक्षम महिलाओं को इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिए गए हैं। हाल के दिनों में हम सब ने देखा, दो फोटो आपको याद होंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत प्रचलित हो गए थे। ये फोटो चीन के एससीओ सम्मेलन की थी। दोनों फोटो में सारे पुरुष के बीच एक एक महिला नजर आती है, बाकी सब पुरुष है। ये फोटो कई देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की थी और उनमें एक फोटो में सुषमा स्वराज जी एकमात्र महिला विदेश मंत्री थी और दूसरे में हमारे कर्नाटक से ही पार्लियामेंट में आई हुई निर्मला सीतारमण जी। और दोनों का कर्नाटक के साथ बहुत गहरा नाता रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी में उनके स्थान, सम्मान और योगदान में पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी की तरफ देखने का नजरिया ही बदल दिया। इस पर सिद्धारमैया ने चुटकी ली और कहा कि महिलाओं में असल सशक्तिकरण नीतियों से आता है, ना कि जुमलों से। कल तक आपकी पार्टी के लोगों ने कठुआ के बलात्कार के आरोपी के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला था और आज आप महिला सशक्तिकरण के गुण गा रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि येदुरप्पा जी की योजनाओं को आज भी याद किया जाता है। येदुरप्पा की सरकार में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक योजना शुरू की गई थी। मोदी जी ने कहा कि येदुरप्पा को उनकी योजनाओं के लिए आज भी याद किया जाता है। जब येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, येदुरप्पा जी के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई थी उसे आज भी कर्नाटक की जनता याद करती है। आप सबको पता है भाग्यलक्ष्मी योजना, ये भाग्यलक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत गरीब परिवार में जन्मी लड़की के लिए 18 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का डिपॉजिट कर दिया जाता था, जो राशि बाद में बेटी की शादी और आगे की पढ़ाई के लिए भविष्य में काम आ सकती थी। पिछली भाजपा सरकार के दौरान लगभग 17 लाख महिलाओं को कर्नाटका में भाग्यलक्ष्मी स्कीम बॉन्ड्स दिए गए थे। वैसी येदुरप्पा जी की दूसरी योजना थी संजीवनी। येदुरप्पा जी की सरकार में बीपीएल परिवारों के लिए इन्फेंट मोर्टालिटी कम करने के लिए स्वास्थ्य योजना बाल संजीवनी शुरू की गई थी। कर्नाटक में भाजपा की पिछली सरकार के दौरान हजारों कुपोषित
बच्चों को इस योजना के तहत अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया था और उनको इस संकट से बाहर निकाला गया था। उसी प्रकार से बच्चियां स्कूल जाएं, बच्चियों को पढ़ने की सुविधा बढ़े, येदियुरप्पा जी ने अपने कार्यकाल में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। सिद्धारमैया ने जवाबी हमला करते हुए ट्वीट किया है कि हमने बच्चियों के लिए पहली कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को मुफ्त किया है। आज बेंगलुरु में महिला वर्कर्स का 25% हिस्सा है, जबकि दिल्ली में जहां पीएम खुद रहते हैं वहां ये आंकड़ा केवल 10% है। मोदी जी ने लाइव के दौरान कहा है कि हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। हमारी सरकार ने महिला के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके लिए योजनाओं को बनाया है ताकि महिलाएं सशक्त हो सके। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक नए अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके जीवन की यात्रा के हर अहम पड़ाव को ध्यान में रखते हुए सरकार उसे कहां उपयोगी हो सकती है, सरकार उसके कहां मददगार हो सकती है, उसकी गति को और आगे बढ़ाने में हम कैसे काम आ सकते हैं, हमारी सारी योजनाओं को हमने इस प्रकार से केंद्रित किया है। अगर मैं जीवन के पहले पड़ाव गर्भावस्था से भी शुरू करूं तो हमारी सरकार ने हेल्थ से लेकर मैटरनिटी लीव तक कई योजनाएं शुरू की ताकि उनकी प्रेगनेंसी सेफ हो। हमने गर्भ में पल रही बेटी की रक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की। इससे आज लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और इस तरह की सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में मदद मिल रही है। सिद्धारमैया मोदी जी की बात काटते हुए कहते हैं कि हमारी सरकार ने भी गर्भवती महिलाओं को पोषण देने के लिए 10 गर्भवती महिलाओं को मातृपूर्ण योजना के तहत मिड डे मील दिया ताकि उनका होने वाला बच्चा तंदुरुस्त हो सके। हमने बाल विवाह को रोकने के लिए कानून में संशोधन किए। हमारी सरकार ने सभी छात्रों के लिए मुफ्त बस पास मुहैया करवाए जिनमें से आधी लड़कियां थीं। मोदी जी ने नमो ऐप पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से कहा कि महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़े इसके लिए बीजेपी सरकार ने काफी काम किया है। महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। अब इस बजट में हमारी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 3,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का एक और नया लक्ष्य रखा है। महिलाओं को जॉब क्रिएटर बनने का एक विकल्प स्टैंड अप इंडिया योजना में भी मिला है। ये लोन लेकर भी वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है कि हमने महिला एंटरप्रेन्योर को 4% ब्याज लोन उपलब्ध करवाया। महिला एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जिसके कारण सूबे की कई महिला एंटरप्रेन्योर्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार भी जीते। हमारे राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का खिताब भी मिल चुका है। हमने कई महिला समूहों को बढ़ावा देने के लिए 25,000 रुपए हर समूह को मुहैया करवाए हैं। मोदी जी ने लाइव के दौरान कहा है कि महिला मोर्चा को उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों के साथ जुलूस निकालना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि कुछ बदलाव हो रहा है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया जिससे सेक्स रेशियो अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी बहने हैं आप उनको मिलाकर के रोज एक जुलूस क्यों नहीं निकालते? पोलिंग बूथ में उज्ज्वला की लाभार्थी बहने 25 मिनट आधा घंटा पौने घंटा का रोज एक जुलूस निकाले अलग अलग इलाका में। लोगों को पता चलेगा कि इन गरीब महिलाओं की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है और इसलिए मैं चाहूंगा हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप सेक्स रेशियो बहुत बेहतर हुआ है। 161 जिलों में 161 जिलों में इसके सफल क्रियान्वयन के बाद अब देश के 640 डिस्ट्रिक्ट में इस योजना का विस्तार किया गया है। उसी प्रकार से हमने बैंक सुविधा से वंचित लोगों के लिए जनधन योजना शुरू की और आज
करीब करीब 16.5 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। इसी तरह महिला सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमने कई योजनाएं शुरू की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं समूह सहायता समूहों को दी जाने वाली राशि, उसका ऋण करीब करीब 2014-15 से लेकर के 2017-18 तक आते आते करीब करीब 175% की 175% की बढ़ोतरी की गई। हमने मुद्रा योजना शुरू की, अभी तक 9 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन का लाभ मिला है। 9 करोड़ महिलाएं यानी 9 करोड़ परिवार। वर्क प्लेस पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैटरनिटी लीव जो पहले 12 हफ्ते थी अब उसको बढ़ा करके 26 हफ्ते कर दिया है, मतलब आधा वर्ष 6 महीने। दुनिया के समृद्ध देशों को भी जब इतना बड़ा पता चलता है कि एक डेवलपिंग कंट्री ने इतना बड़ा महिलाओं के लिए निर्णय किया है तो उनको बड़ा अजूबा लगता है, अचरज होता है। सिद्धरमैया ने कहा है कि हमने सेक्स वर्करों को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं जिनमें ट्रांसजेंडर और एचआईवी से बीमार औरतें भी शामिल हैं। हमने बेंगलुरु शहर में पिंक हॉयसला गाड़ियां चलाई हैं जो इमरजेंसी हालतों में रिस्पॉन्स करती हैं। इसके साथ ही बहुत सी योजनाएं और भी हैं। मोदी जी भाषण देना छोड़िए और एक्शन लेने की आदत डाल लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ट्रेंडी न्यूज़ के साथ।